दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडिया स्टैंड अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन जो कि पिछली कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इनके आने की संभावना रहेगी। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही रेयरली आपको सुनने के लिए मिलते होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। दोस्तों इसके आगे भी एक लंबी सीरीज आने वाली है जिसमें मैं बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो शोक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों शोक मतलब शोक किस नदी को कहते हैं? तो जो नदी दोस्तों किसी भी राज्य या देश में अपने भयानक प्रकोप से तबाही मचाती है उस नदी को हम बोलते हैं उस राज्य का या उस देश का शोक। ठीक है, जैसे दोस्तों हम बात करें कोसी नदी की, तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। जो कोसी नदी है बरसात के दिनों में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाती है क्योंकि इसमें जलस्तर बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आती है इस नदी में। ठीक है, तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। उसी प्रकार चीन का शोक हम कहते हैं हांगहो नदी को। ठीक है, जनरली दोस्तों कोई भी नदी तबाही मचाने के लिए नहीं होती है लेकिन बरसात के दिनों में अक्सर जल का स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण से बाढ़ आती हैं। ठीक है, बाकी जो नदियाँ होती हैं उनको हम जीवनदायिनी ही बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों यह तिब्बत से निकली हुई है। कहाँ से निकली है? तिब्बत से, और तिब्बत में इसका जो नाम है वह है सांपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? सांपो है। ठीक है, तिब्बत में इसका नाम है सांपो, तो तिब्बत से निकली है। तिब्बत से आती है दोस्तों हमारे इंडिया में और इंडिया से पहुंच जाती है बांग्लादेश। इंडिया में दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश में यह बहती है। कहाँ पर बहती है? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ही इंडिया में आती है इसका नाम हो जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है, और जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? जमुना नदी। ठीक है, और बांग्लादेश में दोस्तों यह पद्मन नदी से मिल जाती है। ठीक है, जो कि गंगा नदी है। ठीक है, क्योंकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने आपको सभी आईएमपी पॉइंट बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? धूमकेतु जनरली दोस्तों पत्थर, गैस, बर्फ इन सभी से मिलकर बने होते हैं, धूल से मिलकर बने होते हैं। पत्थर, धूल, गैस, बर्फ इन सभी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यह आकाशीय पिंड है दोस्तों और यह एकदम सर्कुलर ना होकर जनरली इरेगुलर शेप के होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, जैसा कि मैंने यह दिखाया हुआ हूँ। जैसा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जो धूमकेतु होते हैं वह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब कुछ धूमकेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं हमारे लिए। ठीक है, उन धूमकेतु में से एक है हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु की खास बात क्या है? इसे हम दोस्तों हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं जब यह हमें आकाश में दिखाई देता है। ठीक है, जब भी यह आकाश में आएगा तो हम इसे अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं, और यह 76 वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है। ठीक है, लास्ट टाइम इसको देखा गया था 1986 को देखा गया था। लास्ट टाइम इसको 1986 में देखा गया था, और अब कब दिखाई देगा? 2062 में यह दिखाई देगा। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मुद्रा के प्रचलन का नियम किसने दिया? जनरली दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बहुत ही कम सुनने के लिए मिलता होगा, और मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन रेलवे की पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन ने ऊर्जा का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है इसके बारे में बताया था, E=mc² के बारे में।
ठीक है, मनमोहन सिंह जी। दोस्तों मनमोहन सिंह जी जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 1991 के टाइम ए हमारे देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, और 1991 में हमारे देश में बहुत ही अच्छे आर्थिक सुधार हुए थे, जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो आर्थिक क्रांति हमारे यहाँ आई थी दोस्तों, एकदम अच्छे सुधार हुए थे भाई मनमोहन सिंह जी के वित्त मंत्री के कार्यकाल में हुए थे, और 1991 में यह हुए थे। इसके बाद अगला ऑप्शन है ग्रैसम। दोस्तों ग्रैसम ने ही 1560 में, ग्रैसम ने 1560 में मुद्रा के प्रचलन का नियम दिया था। ठीक है, किसने? ग्रैसम ने। तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, भारत रत्न इनमें से किसे सर्वप्रथम दिया गया? भारत रत्न जो कि हमारे देश का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? 1954 में हुई थी, 1954 में। 1954 में तीन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, ध्यान से आप सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, दूसरे प्रेसिडेंट थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद दोस्तों दिया गया था 1954 में ही सी राजगोपालचारी जी को, सबसे पहले किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, इसके बाद सी राजगोपालचारी जी को। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं, सी राजगोपालचारी अच्छे से आप सुन लीजिएगा। सी राजगोपालचारी हमारे भारत के अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर और अंतिम गवर्नर थे, इससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, या वायसराय। तो सी राजगोपालचारी को भी भारत रत्न दिया गया था 1954 में। और तीसरा जो नाम है वह नाम है सी वी रमन, डॉक्टर सी वी रमन, जो कि एक भौतिक शास्त्री थे, इनको भी 1954 में भारत रत्न दिया गया था। जो डॉक्टर सी वी रमन है दोस्तों, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1954 में, और इनको नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों, ये हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। डॉक्टर अम्बेडकर जी पहले कानून मंत्री थे, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है, इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1991 के टाइम। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, आमार सोनार बांग्ला गीत के रचयिता निम्न में से कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मोहम्मद इकबाल, अली जिन्ना। दोस्तों हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है, ठीक है, जो राष्ट्रगीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। ठीक है, भारत देश का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और जो हमारे देश का राष्ट्रगान है, ठीक है, जनगणमन, यह लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, इस गीत के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, और यह बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। ठीक है, इसके अलावा जो मोहम्मद अली जिन्ना है दोस्तों, इनको पाकिस्तान का गांधी कहा जाता है, जैसे हमारे देश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आंख में प्रवेश होने वाला प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन है कॉर्निया, आयरिस, लेंस, रेटिना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको बताऊंगा दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह है हमारी आंख, ठीक है, यह हमारी आंख है, यहाँ पर बीच में एक सर्कुलर कंचे टाइप का आपको देखने के लिए मिलता है आंख में, और यहाँ पर ये रहता है काला काला,
बिंदु, ठीक है, और यहाँ पर हल्का हल्का भूरे भूरे कलर का ऐसी लाइनिंग रहती है। ठीक है दोस्तों, ये जो बीच में काला काला पॉइंट रहता है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ठीक है, इसके अलावा ये जो वाला, ये वाले जो पार्ट है जो भूरा भूरा वाला सफेद सफेद लाइन लाइन रहती है जिसमें, इसको हम बोलते हैं आयरिस, इसको क्या बोलते हैं, आयरिस। और ये वाला जो सफेद वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्क्लेरा। ठीक है, और जो आयरिस होती है हमारी, ठीक है, आयरिस, आयरिस के पीछे होता है क्या, लेंस। ठीक है, आयरिस के पीछे क्या होता है, लेंस होता है। जैसे अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, लेंस होता है, और ये सबसे पीछे वाला भाग जो होता है वो होता है रेटिना। ठीक है, यहाँ ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये वाला जो भाग, ये वाला भाग, ये होता है रेटिना। तो यहाँ पर पूछा गया है आँख में प्रवेश होने वाला प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आयरिस, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि धूप के चश्मे बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है, या प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले कांच के जो फ्लास्क वगैरह रहते हैं उनको किस कांच के, कांच से बनाया जाता है, या फिर खिड़की दरवाजे किस कांच से बनाए जाते हैं। तो यह क्वेश्चन काफ़ी IMP है। इस क्वेश्चन के सबसे पहले मैं आंसर बताऊंगा, इसके बाद अन्य के बारे में हम बात करेंगे, जो अन्य कांच है उनके बारे में। क्रक्स ग्लास यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको क्रूक्स ग्लास भी हम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्रूक्स ग्लास, इसी का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे बनाने के लिए। ठीक है, जो धूप के चश्मे होते हैं दोस्तों, गोगल्स होते हैं हमारे, उनको बनाने के लिए क्रक्स या फिर क्रूक्स ग्लास का प्रयोग किया जाता है, क्रूक्स ग्लास। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों पायरेक्स का उपयोग किया जाता है, जो पायरेक्स ग्लास होता है, जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला के इक्विपमेंट होते हैं, लेबोरेटरीज इक्विपमेंट, उनको बनाने में। ठीक है, और जो फ्लिंट ग्लास है, फ्लिंट कांच जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है बल्ब, जो बिजली के बल्ब है होते हैं दोस्तों, उनको बनाने में, टेलीस्कोप के लेंस बनाने में, प्रिज्म बनाने में, जनरली हम फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्राउन ग्लास होता है, क्राउन ग्लास, ठीक है, क्राउन ग्लास, इसका उपयोग भी दोस्तों आंखों के लेंस को बनाने में हम करते हैं। ठीक है, जो लेंस होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसका उपयोग हम करते हैं, किसका, क्राउन ग्लास का। तो क्रूक्स का उपयोग होता है धूप के चश्मे बनाने के लिए, और पायरेक्स का लेबोरेटरीज इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। पहले ही क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी दोस्तों गंगा नदी के बारे में, फिर से हम बात करते हैं दोस्तों। जो गंगा नदी है यह गंगोत्री हिमालय से निकली हुई है, कहाँ से निकली हुई है, गंगोत्री हिमालय से, गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, हिमालय में गंगोत्री हिमनद से निकली हुई है दोस्तों। यह हमारे भारत में बहती है, और भारत में बहने के बाद यह कहाँ पर चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ पर, बांग्लादेश में चली जाती है। अब भारत में इसका नाम क्या है, गंगा है, भारत में इसका नाम है गंगा, और बांग्लादेश में इसका नाम है पद्मा, बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, पद्मा। और बांग्लादेश में बहते हुए दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो उद्गम की अगर हम बात करें तो उद्गम कहाँ से हुआ है, हिमालय में गंगोत्री हिमनद से, और इसका जो अंतिम मुहाना है दोस्तों, एंड पॉइंट, वह क्या है, बंगाल की खाड़ी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं, यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में जो जमुना नदी है गंगा नदी में मिल जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, बांग्लादेश में। और यह दोनों नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो कि भारत का या फिर पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से मिलकर बना है। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, ठीक है, जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकली है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी, जो कि हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकली है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन थी, सबसे सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी जो है भारत की वह कौन सी है, गंगा नदी। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 2510 किलोमीटर है दोस्तों, टोटल अगर हम बात करें, ठीक है, इसी के लगभग है, थोड़ा सा इसका मेरे को कंफर्म नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी, सबसे चौड़ी नदी, तो सबसे चौड़ी नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, अगर सबसे चौड़ी पूछे तो ब्रह्मपुत्र और लंबी पूछे तो गंगा नदी। ठीक है, और लंबी और चौड़ी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चौड़ी मतलब उसकी जो ब्रेथ है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन है चाणक्य, बाणभट्ट, तुलसीदास, शंकराचार्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शंकराचार्य। ठीक है, तो चाणक्य है दोस्तों, यह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे हमारे देश के, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में यह महामंत्री थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में यह महामंत्री हुआ करते थे, तो इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, इन्हीं को हम जनरली कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और क्वेश्चन है आद्वैतवाद के संस्थापक कौन है, तो आंसर होगा शंकराचार्य, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सी रेखा है, ऑप्शन है रेडक्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, पाक जल डब्लूबत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा, इससे पहले जो अन्य ऑप्शन है उनके बारे में आपको बता दूं। ठीक है, तो आपके चार पांच क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों, ये इंडिया और तिब्बत के बीच में, किस किस के बीच में, इंडिया और तिब्बत के बीच में। ठीक है, अब जनरली जो तिब्बत है दोस्तों, यह चीन का ही पार्ट है, किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा को हम यह भी बोल सकते हैं कि इंडिया और चीन के बीच में, अगर तिब्बत ऑप्शन ना रहे तो आप चीन भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा भारत व तिब्बत के बीच में है, या फिर आप चाइना भी बोल सकते हैं। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा दोस्तों जनरली अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में है, किस किस के बीच में, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में है, और यह क्वेश्चन पिछली कई परीक्षा में पूछा जा चुका है रेलवे की, इसलिए इसको भी मैंने ऑप्शन में इंक्लूड किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सभी ऑप्शन ऐसे रखे हैं दोस्तों जो आईएमपी हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा। इसके बाद है पाक जल डमरूमत। दोस्तों सबसे पहले आपको जल डमरू मध्य का मतलब मालूम होना चाहिए, डमरू, डमरू मतलब दोस्तों ये वाला जो सेप है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डमरू, क्योंकि ये लगभग डमरू के जैसा हमें लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है पाक खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी, ये है दोस्तों हमारा तमिलनाडु वाला पार्ट, ठीक है, और ये है हमारा श्रीलंका वाला पार्ट। तो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को जो डमरू मध्य जोड़ता है उसको हम बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, ये हमारा मैप है दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारा तमिलनाडु राज्य, ठीक है, और यहाँ पर होता है श्रीलंका, तो तमिलनाडु से श्रीलंका को जो जोड़ रहा है उसको हम बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। यहाँ पर वो इस वाले एरिया में है दोस्तों क्या, पाक की खाड़ी, ठीक है, पाक खाड़ी, और इस एरिया में है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर क्या, मन्नार की खाड़ी, या हम बोलते हैं इसको गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ता कौन है, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, जोड़ता या अलग करता जो भी हो, ठीक है,
तो आपको इसको दो प्रकार से याद रखना, पहला भारत के तमिलनाडु राज्य व श्रीलंका के उत्तरी भाग को कौन जोड़ता है, पाक जल डमरूमध, या फिर मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में क्या है, पाक जल डमरू मध्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेड क्लिफ के बारे में, भारत व पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। 17 अगस्त आजादी के बाद दोस्तों 17 अगस्त 1947 को यह रेखा बनाई गई थी, ठीक है, बंटवारा होने के बाद। और इसको सर रेड क्लिफ ने बनाया था, किसने बनाया था, सर रेड क्लिफ ने, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध विराम रेखा है जिसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भारत व पाकिस्तान के बीच में दो रेखा है, एक है युद्ध विराम रेखा जिसे हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और दूसरी है रेड क्लिफ रेखा। तो आपको दोनों मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको लग रहा होगा कि हमने काफ़ी कम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो मैंने सभी ऑप्शंस के बारे में आपको बताया हूँ और हर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डीपली आपको बताया हूँ, जिससे आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। और जो भी ऑप्शन यहाँ पर मैं रखता हूँ दोस्तों, ठीक है, हर टॉपिक में मैंने जो भी ऑप्शन रखे हैं दोस्तों, सभी IMP ऑप्शन ही रखे हैं, आप देख सकते हैं, और सभी के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया हूँ। तो लगभग आपके 30 से 40 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, जो कि काफ़ी IMP है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आगे भी और क्वेश्चन आएंगे और उनमें मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वह भी आपके लिए IMP रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और मैं आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।